एक बार विधाता ने परमपिता परमेश्वर ने अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजा और कहा कि जाओ और पता करो पृथ्वी पर स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन है। उन्होंने कई तरह के लोग देखे। ज्यादातर लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूजा पाठ उपासना अपने अपने हिसाब से करते थे। दूत जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक कुटिया देखी। वह उसके पास गए और वहां उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह एक दीपक जलाकर बैठा था। वहां उन्होंने अपने पास एक पानी से भरा हुआ मटका भी रखा हुआ था। वह चलने वाले राहगीरों को सही मार्ग दिखाता और प्यासे को पानी पिलाता। सारी रात दूत वहीं बैठे और सुबह होते ही दूत वृद्ध के पास गए। दूतों ने वृद्ध को नमस्कार किया और पूछा, क्या भगवान की उपासना और पूजा पाठ इत्यादि करते हैं? वह बोला कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, मेरे पास इसका कोई ज्ञान नहीं है, मैं पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या इतना भी मालूम नहीं है कि जब स्वर्ग में जाना हो तो लोगों को उपासना पूजा पाठ करनी होती है? बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि मेरे लिए तो यही पूजा पाठ है, क्योंकि एक दिन मैं खुद रास्ता भटक गया था और उस भटकते हुए रास्ते में मैंने अपने परिवार को खो दिया था, क्योंकि आगे गहरी खाई है, लोगों को सही रास्ता मालूम नहीं होता है और लोग यहाँ से भटक जाते हैं और यहाँ पर आसपास कहीं पर भी जल का स्रोत नहीं है, इसलिए मैं दूर से मटका भर के लेकर आता हूँ ताकि कोई और बिछड़ ना जाए, कोई और खाई में ना गिर जाए रात को, इसलिए मैं दीपक जलाकर उनको रास्ता दिखाता हूँ, मेरे पास यही काम है और मुझे यही पूजा पाठ आता है। दूतों को व्रत की बात बड़ी विचित्र लगी और पृथ्वी पर सभी इस बात पर भरोसा करते हैं कि पूजा पाठ उपासना करने से ही स्वर्ग मिलता है। दूत वापस भगवान के पास पहुंच गए और सारा वितरण सुनाया। जब विधाता पृथ्वीवासियों का हिसाब किताब देखने लगे तब उस वृद्ध की बात आई और दूतों ने तुरंत भगवान से कहा कि इसे तो पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, ये तो ज्ञानी नहीं है। तब भगवान ने दूतों को समझाया, वह वृद्ध अज्ञानी नहीं है बल्कि वही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है। उसे भले ही ईश्वर का नाम नहीं लिया लेकिन ईश्वर ने लोगों की सेवा करने के लिए ही तो मनुष्य को धरती पर भेजा है, उसने वही काम किया है, इसलिए स्वर्ग का सच्चा अधिकारी वही है। मेरे प्रिय साथियों, परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सही पूजा पाठ और उपासना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए स्वर्ग की लालसा तो नहीं होगी लेकिन हम कहीं ना कहीं परम पिता परमेश्वर के चरणों में जरूर पहुंच जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिभाली और आप देख रहे हैं 18 दिसंबर शनिवार आज का राशिफल। मौसम का मिजाज सिर्फ दूसरे लोगों के लिए खराब नहीं होता है, मेरे लिए भी कुछ दो दिन से चल रहा है। थोड़ा थ्रॉट इन्फेक्शन, कुछ दो चार शादी में जाने का मौका मिला तो वहां पर भोजन करना और जल्दी उठकर, आपको पता ही कि मैं बैंगलोर चेन्नई की यात्रा पर था तो वहां से मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ साल में एक आध बार जरूर होता है, उससे ग्रसित हूँ। उम्मीद है कि मैं इस राशिफल को सही ढंग से आपको बता सकूं लेकिन फिर भी कुछ कमी रहती है, मेरी आवाज में कोई तकलीफ आती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, मैं 18 दिसंबर को पुणे में हूँ और 19 दिसंबर को कोलकाता रहूंगा और बाद में मैं 29 और 30 दिसंबर को दुबई में हूँ और 28 दिसंबर को मैं आबूधाबी में रहूंगा। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। हमेशा की तरह चंद सेकंड आप लोगों के लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। प्रिय साथियों, आज पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और आज दोपहर में 1:47 तक रोहिणी और बाद में मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाश योग, आनंद आदि योग, अनफा योग तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन साध्य योग और बुधादित्य योग भी बन रहा है और सर्व अमृत योग आज एक नया योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि तो रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में आते राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष अब बन गया है लेकिन चंद्रमा उच्च राशि के रहेंगे। प्रिय साथियों, आज आप किसी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में, वो आपको आज नहीं मिलेंगे। क्यों? पहले तो राहु काल नोट करिए, सुबह 9 से 10:30 तक है और रात को सुबह से लेकर 8:45 तक स्वर्ग लोक की बद्रा रहेगी, इसलिए बद्रा में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आज 6 राशि का राशिफल देखने के बाद गुरु मंत्र में जानेंगे आत्मविश्वास की कमी को कैसे दूर करें जिससे हमारे आधे अधूरे काम पूरे हो सके और कार्यक्रम के अंत में होगा आज का एस्ट्रो ज्ञान। शुरुआत मेष राशि से। सत्कर्म, पुण्य कर्म, स्पिरिचुअलिटी, किसी के दुख दर्द को अपना समझ के दूर कर देना, राहगीरों की मदद करना, ये सब कुछ करके आपको पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। आप अपने वाक चतुर्य यानी बोलने की कला, काम करने के अंदाज से बहुत सारी बाधाएं पार करके आगे बढ़ेंगे।
विशेष व्यक्तियों से मुलाकात भी सार्थक रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुकूल समय है। आपकी कार्यशैली सराहनीय रहेगी। ज्ञान और कौशल के लिए कार्यालय में तारीफ सुनने को मिल सकती है। आप नौकरी बदलने या उसमें कुछ बदलाव की कोशिश करना चाहते हैं तो आज उस पर सिर्फ विचार करिए। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बातचीत करते समय सलीके का उदाहरण पेश करना चाहिए, वरना आपकी एक हंसी आपकी इमेज को खराब कर सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा हंसना नहीं चाहिए, हु केयर्स लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहे, इसके लिए आज आपको एक त्याग करना पड़ेगा। जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी, और जो दिन परिवार के बिना बीते वो उम्र कहलाती है। घर के वृद्धों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, आप उसके लिए जरूर कुछ करिए। सुखी प्रेमी जीवन के लिए आज संतुष्टि मिलेगी। इस समय भाग्य आपके पक्ष में नई उपलब्धि प्रदान करने वाला है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह एक उत्कृष्ट दिन है। अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखिए, क्योंकि करियर के मुद्दे से आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सारी चीजें अच्छी है वो खराब हो जाएगी। वृषभ राशि, अज्ञात भय, टेंशन, डिप्रेशन, क्योंकि राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है, यह कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशान करेगा, इसलिए मन को शांत रखना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचना होगा तब लाभ मिलेगा। बिजनेस में सहयोगियों के साथ आपके संबंध मजबूत कैसे हो इस पर ध्यान दीजिए। इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी प्रोफेशनल्स लोगों के लिए आज फायदेमंद दिन है। प्रतिस्पर्धा अच्छी हो, यानी हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आपको मानसिक और लीगल कॉम्प्लिकेशन में परेशान कर देगा। वर्क प्लेस में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत करने के बजाय काम करवाइए। और याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। मुश्किलों से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है, उसका सामना करिए। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय शाम को बीतेगा और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। घर में भौतिक सुखों का आनंद लेंगे। परिवार का माहौल आपको खुशी प्रदान करेगा। अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ कहीं क्रोध न आ जाए ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको शांति और विनम्रता से बात करना आना चाहिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर, दिल लगाकर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपका दिन है, आपकी समझ इंटेलिजेंस आपके दिन को और शानदार बना देगी। गलत समय पर और गलत भोजन से आपको तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, आज सोशल मीडिया राह चलते कहीं पर भी नए संपर्क बन सकते हैं। संपर्क जो पहले से बने हुए हैं, जो आपसे दूर हो चुके हैं, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। बिजनेस में दिन कुछ खास करने का नहीं, बल्कि पुराने काम को खास अंदाज में पूरा करने का है। अपनी प्लानिंग को बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करने का भी प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी बहुत अधिक सोचने और विचारने में समय हाथ से निकल जाता है। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको मिले जुले नतीजे हासिल होंगे। खुद के ही अनैतिक कार्यों के कारण थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मानसिक और शारीरिक पीड़ा का थोड़ा अनुभव हो सकता है। आप अपनी ही जिद और विचारों को ज्यादा महत्व देंगे, इस कारण खुद का नुकसान कर बैठेंगे। जिद और गुस्से के कारण करीबी रिश्तों पर असर पड़ सकता है, संभल कर रहना होगा। बच्चों के करियर से जुड़े फैसले लेते वक्त उनकी राय और इच्छा को जानने की कोशिश जरूर करें। आपको मेरे प्रिय साथियों, आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। थोड़ी संघर्ष की संभावना है, पर छोटा बड़ा त्याग करके आप बेटर काम कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के कार्यों और उनके किसी एक्टिविटी के कारण थोड़े परेशान होंगे, उन्हें समझाइए मत, समझिए। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका झुकाव रहेगा और आपको इससे शांति मिलेगी। समाज के किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकर उससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दूसरों के काम में टांग न अड़ाएं। मन लगाकर पढ़ने से स्टूडेंट को आज सफलता मिलेगी, और मन भटक गया तो आज आपको मलाल रहेगा। कोई स्वास्थ्य विकार या अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आके आप परेशान होंगे, ध्यान रखिए। कर्क राशि, आप जब बिस्तर से उठें तो ये सोचिए कि क्या काम करें कि आज आपका प्रॉफिट बढ़े, आप दिन को अच्छे ढंग से गुजार सके। इसके लिए सुबह उठते ही अपने डे को डिजाइन करें और वैसा ही दिन गुजारें। शुभ ग्रहों के योग से व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई खुशी की खबर आपको मिलेगी। दिन आपके लिए अच्छा है और हो सके तो दोपहर के बाद छुट्टी लीजिए और वीकेंड को एंजॉय करिए। नौकरी में अच्छे काम कर सकेंगे। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की अब आदत डाल दीजिए, आपको खुशी जरूर मिलेगी। घर परिवार को समय देंगे, संतान से सुख मिलेगा, परिवार के लोगों में प्रेम देखने को मिलेगा। किसी समारोह, पार्टी, इवेंट में पुरुष का महिला और महिला के पुरुष के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जरूरी है, सही है या गलत है। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी इसी से आएगी। आप दिन भर सुस्त
और आलस्य से भरे हुए रहेंगे। इसे अगर आपने पार कर लिया तो आज आपका दिन बन जाएगा। शादीशुदा लोगों को ससुराल वालों से आज अच्छे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। जीवन साथी का आपके कार्यों के प्रति सहयोग बढ़ेगा। आपने अपने तनाव को काफी हद तक कम करके आप राहत बटोर लेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए और कोशिश में सफलता जरूर मिलेगी। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। आपकी सेहत पहले से बेटर है, मन लगाकर काम करिए। सिंह राशि, वर्कोहोलिज्म, काम करने का नशा और काम करके आपके काम बन जाएंगे। जब तक काम पूरे न हो तब तक साइलेंट मोड में रहिए। बिजनेस में मेहनत अब रंग लेकर आएगी। मार्केटिंग, सेल्स, परचेस और सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए आपके प्रयास आज सार्थक होंगे। अचानक धन लाभ होगा, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पर टेंशन के माहौल में भी मस्त रहने का गुर आपके अंदर है। वर्क प्लेस पर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ते हुए देखेंगे और उसे पूरा करते हुए भी आप खुद देखेंगे। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी कुछ राशि खर्च होगी। परिवार के साथ आनंद उठाएंगे और हो सकता है वीकेंड का आनंद उठाने के लिए आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं। मेरे प्रिय साथियों, संतान से संबंधित खुशी की खबर और उससे संबंधित समाचार आपको खुश कर देंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ खरीदारी का मौका मिलेगा और कुछ पुरानी बातों को आप अपना कर या उसको याद करके दबाव को काफी हद तक कम कर देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज अनुकूल दिन है। जैसा चाहते वैसा दिन आपको मिलेगा, रिजल्ट वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक मरीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि, ज्ञान, विवेक, एंथुजियाज्म, स्मार्टनेस आज बढ़ेगी। मार्केट में अटके, लटके, भटके काम पूरे होंगे और बिजनेस भी आप सराहेंगे, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही पैसे से संबंधित कोई तकलीफ आज दूर हो जाएगी। नौकरी के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास और मजबूत होगा। आत्मविश्वास और आत्मसाहस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहे, इसके लिए वीकेंड को एंजॉय करने के लिए बहस नहीं बल्कि आप आगे बढ़ें। आपके पारिवारिक जीवन में प्रतिकूल विकास की संभावना बढ़ेगी, इसलिए आप अनुकूल बनाइए और समझदारी से दिन बताइए। आप अपने जीवन साथी को लेकर थोड़ी चिंता में पड़ जाएंगे, व्यर्थ की बातचीत से दूर रहिए। परिवारजनों के सहयोग से आपके अधिकतर काम मन के अनुसार पूरे हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप तनाव मुक्त होकर अपने रुचि से संबंधित कार्यों में समय इन्वेस्ट करेंगे। रिश्तेदार, दोस्तों के साथ या बॉस के साथ आज शुभ या मांगलिक कार्य या बिजनेस के लिए ट्रेवल संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी उपलब्धि आज आपको साफ दिखेगी। दांत और गले में दर्द आपको परेशान करेगा, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए छह राशि के बाद गुरु मंत्र में बात करते हैं। आत्मविश्वास की कमी के चलते हमारे कार्य अधूरे क्यों रह जाते हैं, इसे कैसे पूरा करें। अपने फोरहेड पर चंदन का तिलक लगाइए और कंठ पे भी लगाइए। आप देखिएगा आपका आज्ञा चक्र डेवलप होगा और मन और मस्तिष्क एकाग्रचित होगा और काम में आपका ध्यान बढ़ेगा और वशीकरण भी होगा। परिवार के बीच में खड़े रहकर कोई स्टोरी, कविता या गाना सुनाए। घबराने पर गहरी सांस लें और अपनी बात शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हेजिटेशन है, बोल नहीं पाते हैं, हमेशा बाद में सोचते हैं, तो रोजाना 10 मिनट कांच के सामने अखबार लेकर बोलने की प्रैक्टिस करिए। आप देखिएगा 7 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। शाम के समय में गुड़ और आटे से बना हलवा काले कुत्ते और काली गाय को खिलाएं। अपने बड़ों का सम्मान करें और उनसे कठोर वचन बोलने से बचें। रोज सुबह उगते सूरज के दर्शन करें और उसमें अर्घ्य देने का काम करिए। वहीं पर बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए और पिता की सेवा करिए। आपकी गलतियां आप खुद देखिए और दूसरों के अनुभव से सीखिए। आत्मविश्वास और आत्मचिंतन बहुत बढ़ जाएगा। तुला राशि, अनसुलझे मामले आज सुलझेंगे। बिजनेस के कार्यों में मन पूरा नहीं लगेगा, लेकिन पुराने काम, पेंडिंग काम को पूरा करिए, मानसिक तनाव कम होगा। फाइनेंस की आप कोशिश करिए कि बच जाए, बर्बाद ना हो, गलत तरीके से फायदा पाने से बचिए। कुछ नकारात्मक लोग परिस्थिति को खराब कर रहे हैं, ध्यान रखिए। चाहते तो आप बहुत कुछ हैं पर कर नहीं पाते हैं, इसका मलाल रहेगा और आप खुद से आज शाम को नाराज होंगे। आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहे, इसके लिए आप नॉर्मल रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अपनी जुबान, क्रोध और अहंकार के कारण बनी हुई बाजी आप बिगाड़ देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और हमारे स्टूडेंट, अपनी प्रैक्टिस, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उग्र स्वभाव, लड़ाई झगड़ा, सोशल मीडिया पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको आपके ही काम से दूर कर देगा, इसलिए नियंत्रण में रहिए। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य खराब होने से आपको तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं वृश्चिक राशि। बिजनेस पार्टनर से तीखी नोकझोंक हो सकती है और आप बिजनेस नहीं करते हैं तो लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से हो सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यवसायिक मोर्चे पर हालात आपको सामान्य बनाने पड़ेंगे। दिन अच्छा है, बहुत अच्छा आपको बनाना है। आपकी इनकम में कैसे बढ़ोतरी हो इसकी संभावना तलाश करिए, आपका मन इसी से खुश होगा। नौकरी में काम के सिलसिले में आपको कुछ निरस्ता का अनुभव रहेगा, ध्यान रखिएगा। काम के सिलसिले में आपकी प्रशंसा हो ऐसा कुछ काम करिए। वर्क प्लेस पे आंतरिक व्यवस्था अच्छी बनाइए, सबॉर्डिनेट्स के साथ पूरे मनोयोग से काम करिए। आप अपनी बुद्धिमत्ता चतुराई से कोई महत्वपूर्ण अनुबंध टाइप कर लेंगे। नौकरी में लक्ष्य की प्राप्ति आपको कैसे मिले इसके लिए एकांत में सोचिए और शांत रहिए। लक्ष्य जीवन के सबसे कड़वे इम्तिहानों का सबसे मीठा फल है। प्रेम जीवन में यानी लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खुशी और प्रेम भले पल बिताएंगे। भौतिक सुखों में रुचि जरूर लेंगे। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे इसके लिए पार्टनर को आज एक अच्छा गिफ्ट या हो सकता है सरप्राइज पार्टी आप देने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन एक्सरसाइज के दौरान खेल के दौरान ध्यान रखिए, चोट दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम किए जा सकते हैं। धनुराशि, खर्च और कर्ज कैसे कम किया जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, सोचे तो सही। कारोबारी लोगों के कुछ अच्छे लाभ आज मिलने की संभावना है। बिजनेस मीटिंग रिलेटेड कई प्रकार के ट्रैवल आज संभव है। पार्टनरशिप बिजनेस के नए पेपर या किसी लीगल पेपर पर साइन करने से पहले सोचिए। जॉब में आ रही बाधाएं आपके एक प्रयास से दूर हो जाएंगी। वर्क प्लेस में दिन अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा आपको बनाना है। आप अपने पेंडिंग काम को नई स्ट्रेटेजी से पूरा कर पाएंगे। आप अपने साथी के प्रति प्रेम और स्नेह महसूस करेंगे। जो लोग विवाह की डोर में या विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन जो लोग विवाहित नहीं है, अच्छा संबंध उनको अच्छा कंपेनियन के रूप में मिलने वाला है। स्वच्छता का पूरा ख्याल रखिए। रूटीन की जिंदगी में थोड़ा बदलाव आपको खुश कर देगा। लोगों के बीच में प्यार स्नेह और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। परिवार सहित आज घूमने फिरने का, शाम को एंजॉय करने का, वीकेंड को एंजॉय करने का मौका जरूर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भावनाओं का सम्मान करें, गलत फहमियों को मत आने दीजिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज मुकाबला करने का दिन है, आपकी अग्नि परीक्षा, ध्यान रखिए। मेरी तरह आपको भी आज सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मकर राशि, आज माँ बाऊजी को संतान का सुख और संतान को माँ पिताजी का पूरा सुख मिलेगा। व्यापार में कुछ लाभ नए सिरे से हासिल होने वाले हैं। नई जगह पर आउटलेट ओपन करना, बिजनेस पे एक्सपांशन करना, थोड़ी तब्दीली करना, नए स्टाफ को रिक्रूट करने की संभावना ज्यादा है। नए बिजनेस पे पार्टनरशिप के बारे में आप सोच सकते हैं। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, तब जाकर आपको नए काम मिलेंगे। और एक्स्ट्रा टाइम देकर भी अगर काम समय पर आप पूरा कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया। मेरे प्रिय साथियों, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन हो, बॉन्डिंग आपको मजबूत करनी चाहिए, गिले शिकवे दूर करने चाहिए। आपको पूरा ध्यान अगर परिवार पर केंद्रित रहेगा तो वीकेंड को आप एंजॉय करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रिश्ते और गहरे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, आप अपने माँ और बाऊजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ उनको आने वाली है। परिस्थिति अभी पूरी अनुकूल आपके नहीं हुई है। प्रिय साथियों, आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत कुछ हासिल करने का आज मौका मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से बेटर है, सिर्फ अत्यधिक तनाव और अनिद्रा की परेशानी आपको परेशान करेगी। तनाव में रहकर इंसान अक्सर अपने आप को और कमजोर बनाता है। कुंभ राशि, परिवार के सुख और सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, कहीं कमी ना आ जाए। बिजनेस में आपके लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है। टैक्स हो, रिटर्न हो, GST हो या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, आपके सामने समस्या है, समाधान खुद खोजिए। वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में उलझने की पूरी संभावना है, इसलिए आज जितना हो सके एकांत रहिए, शांत रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। नौकरी में किसी बात को लेकर मनभेद और मतभेद संभव है। आप अनैतिक कार्यों के प्रति आकर्षित होने वाले हैं, इससे बचिए। शारीरिक और भावनात्मक दुर्बलता और अशांति का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। आपके पारिवारिक जीवन में समस्या आने वाली है जिससे आपका वीकेंड का प्लान चौपट हो जाएगा, ध्यान रखिए। प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। घर और परिवार को आपने अगर ध्यान से नहीं देखा और ध्यान नहीं दिया, जो परिवार की बहुत बड़ी इच्छा है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, नहीं देंगे तो एक दिन आपको मलाल रहेगा। घर की महिलाओं को आज थोड़ा कठिन समय देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए, लेकिन हंसी खुशी में आप उसे टाल देंगे तो अच्छा है। नए कदम उठाकर परिवार के लिए कुछ परिवर्तन आज संभव है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आज जो सही स्टेप आज आप उठाने वाले हैं,
इग्नोर करिए उन लोगों और उनकी बातों को जो आपके घर में फूट डालने की कोशिश करते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इसका एहसास हमें तब होता है जब हम कई बार उसे खो देते हैं। मीन राशि, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ वीकेंड को एंजॉय करना, फैशन, पैशन, हॉबीज को अपना के दिन को शानदार करने का मौका मिलेगा और हाफ डे में व्यापार में भी सफलता मिलेगी। अपनी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़ा सुधार लाने के लिए कुछ खास मैनेजमेंट सीखिए। बिजनेस से रिलेटेड किसी विशेष कार्य को पूरा करने में आज आप सफल होंगे, आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे और वर्क प्लेस पर काम में मन भी लगेगा। आपको कोई शुभ समाचार जिसका इंतजार था वो मिल सकता है। नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऑनलाइन काम हो, ऑफलाइन काम हो, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकती है। आज ग्राहकों के साथ और अपनों के साथ सही ढंग से पेश आए, क्योंकि कोई आपसे नाराज हो गया तो आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संबंधों को और मजबूत करने के लिए छोटा बड़ा त्याग भी आज आपको करना पड़े तो जरूर करेगा। युवा वर्ग, यंग हमारे एंटरप्रेन्योर, लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज प्रयास शानदार होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके लिए दिन औसत है अगर आपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, नहीं दिया तो दिन गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या राशि वाले लोगों के लिए शुभ है। वृश्चिक, धनु, मकर, मीन राशि वाले लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले लोगों को संभल के रहना होगा। फिर भी आज आप सभी राशि वाले लोग पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम को जलाकर वहीं पर बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ें या उसे सुन लीजिए। मानसिक, आर्थिक और शारीरिक पारिवारिक समस्याओं से निजात मिलेगी और आपकी राशि पर आए हुए संकट दूर हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।